ghamasan.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकेश तिवारी और प्रयागराज कुंभ में सेक्टर 16 में हम नागा साधुओं के डेरे में आ गए हैं और मेरे साथ मौजूद है जूनागढ़ के विजयगिरी जी नागा महाराज। कैसा लग रहा है? तो बढ़िया है, जैसे हर साल लगता है ऐसे ही है। इस साल थोड़ी सुविधा ठीक है, योगी जी के वजह से थोड़ी सुविधा बढ़िया है। कचरा फेंकी है, टॉयलेट का, जल का, लाइट का सुविधा दिए है योगी जी मोदी जी। आप बचपन से नागा साधु रूप धारण किए हुए हैं? जी, हम बचपन से नागा योगी। क्या तपस्या करते हैं? भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न रहते हैं, उनकी लौ लगाए रहते हैं। धर्म की कीर्ति बढ़ रही है कि घट रही है? देखो, इसमें तो ऐसा है कि हम धर्म के लिए तो सबको नहीं बोल सकते ना, हम किसी को जानते नहीं है, है? हाँ, हमारे जो शिष्य गण है, हमारे पास जो आते हैं, यहाँ जो है प्रयागराज में जो आए हैं, उनको हम कह सकते हैं कि भाई धार्मिक है, धर्म से आया है, गंगा माँ का दर्शन करने आया है, है ना, स्नान करने आया है यहाँ। अब सबका तो हम बोल नहीं सकते, बाकी धर्म तो है, धर्म नहीं होता तो ये नहीं होता। साधु को, महात्मा को, ये पंडाल, भजन भजन ये सब नहीं होता, धर्म नहीं होता तो। धर्म से तो ये सब टीका है, नहीं तो ये आग लगी आकाश में खन खन करे अंगार, जैसे संत पुरुष न होते जमी पे तो जलत जात संसार। पाप तो इतना बढ़ गया है कि घर घर दानव पैदा हो गए, भाई भाई के पास लड़ रहा है, फिर कैसे बोलेंगे कि धर्म है? एकता ही नहीं है तो फिर धर्म कहाँ से है? क्या दिनचर्या रहती है? सुबह 4 बजे से स्नान ध्यान करके गुरु महाराज के भजन में लग जाते हैं, शाम को 12-1 बजे तक रहते हैं, फिर 1-2 घंटे विश्राम कर लेते हैं, फिर 3-4 बजे फिर चेतन पूजा करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु कुछ क्रियाएं भी करते, करते क्या? क्रिया क्या है? भजन करना है गुरु महाराज का, उनका जो दिया हुआ है प्रसादी, जो भी गुरु महाराज भगवान ने दिया है ये शरीर के उद्धार के लिए, एक खुद को जानने के लिए। दुनिया को तो एक देख कर जान लिया कि भाई क्या है, पर खुद को जानने के लिए गुरु महाराज जो भजन देते हैं सुबह से करते हैं, जिससे ये सब होता है। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।